हेलो गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जैसा कि पता है आपको 15 अगस्त हो गया, तो आज हम लोग आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे से। और मैं आज बहुत जगहों पे जाना चाहूँगा, जितना कोशिश करूँगा कितना जा सकता हूँ। और आज एक मैं ऐसा करूँगा कि मेरे पास इतने सारे फ्लैग्स हैं, देख सकते हो, आज इन सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, यानी कि वितरित करूँगा जैसे जिसको आवश्यकता पड़ेगी। शायद मैं कोशिश करूँगा छोटे बच्चों को ज़्यादा दूँगा, और उनसे ये सवाल भी पूछूंगा कि हम लोग कौन से ईयर का मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी बार हो गए हम लोगों को, और कब मेरा देश आज़ाद हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके। बाकी कोई फाउंडेशन नहीं होगा, उनको मैं देने की कोशिश करूंगा। और इतने सारे फ्लैग्स मैंने खरीद लिए हैं और मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो गाइस, मेरा दोस्त एक आ रहा है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, और जब तक वो आता नहीं तब तक मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। देता हूँ, लो पकड़ा, एक फ्लैग पकड़ा, एक दे दिए इनको, ठीक है राजेश को, और चले सही वाला ले लो, ये वाला कोई एक बढ़िया से निकाल लो इसमें। राजेश को भी दे दिए, और यहाँ जगह राजेश से मिलते हैं, अब लोग चलते हैं। एक 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 आराम से आराम से, अरे उसको पकड़ो तो आराम से आराम से आराम से, जाओ ले जाओ ले जाओ भाई। सारे झंडे यही बच्चे ले लिए पूरा, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ यही सारे बच्चे झंडे ले लिए, एक भी झंडा नहीं बचा मेरे पास। बच्चे देखो बहुत सारे पीछे भी जा रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं यार, और मैं जितना भी फ्लैग लिया था सब यहीं ले लिए बच्चे। एक लड़का मांगा, भैया दे दीजिए, और बाकी सारे लड़के टूट पड़े। तो आज हम लोग राजेश और हम जा रहे हैं, और साथ में राजेश हैं, और काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग पहले चलते हैं आज़ाद पार्क में, क्योंकि सबसे बहुत अच्छा जगह है वहाँ जगह आज के दिन के लिए। तो हम लोग पहले वहाँ चलेंगे, फिर उसके बाद कहीं का प्लान होता है तो वहाँ चलते हैं, फिर पहले हम लोग आज़ाद पार्क पहुँचते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं ये रामबाग स्टेशन पे, ऐसे होके हम लोग निकलेंगे ताकि हम लोग जल्दी आज़ाद पार्क पहुंचे। और बहुत सूना सूना सा एकदम लग रहा है ये स्टेशन पे, पता नहीं आज सारे लोग कहाँ गए, पर इधर लोग दिखेंगे, बट हर दिन के अपेक्षा बहुत सारे कम लोग हैं। ये स्टेशन रहा रामबाग, ऐसे हम लोग शॉर्टकट भी निकलते हैं, जल्दी आज़ाद पार्क पहुँचे। गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं मेडिकल चौराहा, अब यहाँ से बस कुछ ही दूर पे है। और फाइन हम लोग ऐसा है कि पैदल जा भी रहे हैं क्योंकि पूरा घूमते घूमते, तो अब हम लोगों को कुछ ही टाइम लगने वाला है पहुँचने के लिए आज़ाद पार्क में। वहाँ पहुँच के देखते हैं कैसा वहाँ जगह का माहौल है इस टाइम पे, और काफ़ी बेहतर होगा। पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, और इस बार भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं हम लोग वहाँ जगह स्थलीय, बहुत ज़्यादा बेसब्री से हम लोगों को वहाँ पहुँचने का इंतज़ार है। हम लोग पहुँच आए आज़ाद पार्क में, अब चल रहे हैं जहाँ आज़ाद जी की स्टैचू है। वहाँ बहुत सारी भीड़ होगी, और वहाँ चलने के बाद देखते हैं क्या है कैसा है। और बाकी हम लोग एंटर कर चुके हैं आज़ाद पार्क में, तो बहुत एक्साइटेड है वहाँ। फिलहाल गाइस, हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम लोग पहुँच आए जहाँ आज़ाद की स्टैचू है, और दिखाते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो चलो देखते दिखाते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ जगह। वो भाई देख सकते हो भीड़, अभी तो स्टार्टिंग है भाई, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ये तो ट्रेलर है। लो भाई देख लो, चाल तेरी ना कम होने देंगे वतन, नाम ले के तेरा जिएंगे वतन, चाल तेरी ना कम होने देंगे वतन, नाम ले के तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम। जिंदाबाद, 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 जय कर राजा, जय कर राजा, जय कर राजा।
अतुल गाइस अब फाइनली ब्लॉग को यही एंड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज है। दूसरी बात, इतना यहाँ घूमने के बाद थोड़ा सा और दिखाने के बाद ब्लॉग को एंड कर देंगे। और क्योंकि मुझे ब्लॉग में यही एंड करना की वजह यह है कि मुझे लाइव भी आना है, तो चलते हैं थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं कुछ दर्शनी के नाम से कुछ यहाँ जगह स्टोर वगैरह है, तो वहाँ दिखाने के बाद ब्लॉग को एंड कर देंगे। चलते हैं अंदर।